नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका भारत एट नाइन के स्पेशल एडिशन में। कांग्रेस इन दिनों किताब को लेकर घिरती जा रही है। पहले सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर कही बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी की किताब में मुंबई हमले को लेकर छोड़े गए बम से हंगामा शुरू हो गया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि 26/11 के वक्त यूपीए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी लिखा कि उस वक्त तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत थी। इसके बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है कि किसी देश को अगर निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने में कोई अफसोस नहीं है तो ऐसे में संयम ताकत की पहचान नहीं बल्कि कमजोरी की निशानी है। 26/11 एक ऐसा दिन जब शब्दों से ज्यादा जवाबी कार्रवाई दिखानी चाहिए थी। उन्होंने मुंबई हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 से करते हुए कहा कि भारत को समय तेजी से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। किताब में कही गई बात को लेकर एक और कांग्रेस घिरती नजर आने लगी तो अब मनीष तिवारी पर भी कार्रवाई होने की बातें सामने आने लगी हैं। मनीष तिवारी की किताब सामने आने के बाद एके एटनी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। एके एटनी कांग्रेस के अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। माना दिया जा रहा था कि कांग्रेस अब तिवारी पर कोई कार्रवाई कर सकती है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी और कांग्रेस से सवाल पूछा कि उरी और पुलवामा के बाद जैसी कार्रवाई हुई, मुंबई हमले के बाद वैसी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। चलिए, बीजेपी प्रवक्ता नीलज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। जी नीलज जी, जिस तरह से मनीष तिवारी की किताब में 26/11 को लेकर ये बातें लिखी गई हैं कि कार्रवाई पाक पर ना करना कमजोरी की निशानी है, बीजेपी तो पलटवार कर ही रही है, लेकिन आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं करी कांग्रेस पार्टी ने। दाऊद इब्राहिम को बड़े आराम से जाने दिया इन लोगों ने। इनके ऊपर तो इनके हाथ जो है ना खून से रंगे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजों को इनको उत्तर देना है जो कि कांग्रेस उत्तर नहीं देती है। और इनके खुद के नेता ने अगर ये बात कही है तो सामने से आके राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जी बिल्कुल अनिल जी, और देखिए कहीं ना कहीं ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले अगर मनीष तिवारी की बात कर ली जाए, वो पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। सलमान खुर्शीद की बात कर ली जाए, उनकी किताब को लेकर भी अभी विवाद कुछ ही दिन पहले हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदर जो फूट है उससे बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा क्या? नहीं, वो नेता है जो चरित्र दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। मनीष तिवारी जी ने अभी लिखा है, बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल सबको पता है अच्छी तरीके से कि कांग्रेस का किस प्रकार से रोल रहा है 26/11 में। कांग्रेस ने किस तरीके से कोई कार्रवाई पाकिस्तान पे नहीं करी और कोई कार्रवाई जल्द कार्रवाई दाऊद पे नहीं करी और उसको पूरा टाइम दे दिया। जी तो ये सारी चीजें हैं। सलमान खुर्शीद जो है 1984 के बाद जो घटनाएं हुई सिखों को लेकर, उसने क्या क्या गंदी बातें लिखी अपनी उस पुस्तक में, और अब जो इनकी नई पुस्तक आई है उसमें भी किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया हिंदुओं के लिए। तो कांग्रेस पार्टी सामने से आकर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देते इनके सर्वोपरि नेता राहुल गांधी। तो मैं तो ये कहूंगी कि भाई कांग्रेस जो है वो जान रही है कि जो उसके नेता कह रहे हैं उसमें इनकी सहमति है। नहीं, सहमति तो अभी देखे राहुल गांधी या सोनिया गांधी जब सामने आकर कुछ बयान देंगे तब पता चलेगा कि सहमति है या नहीं है। नहीं, अगर आप चुप भी हैं वो भी सहमति मानी जाती है। नहीं, अगर सलमान खुर्शीद की किताब की बात कर ली जाए जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, उस पर तो साफ तौर पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो उनका पर्सनल बयान है, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने जो कुछ लिखा वो उनकी बात है। नहीं, राहुल गांधी ने एडवोकेसी करी है सलमान खुर्शीद, उनका बयान आया है, राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने एडवोकेसी करी है सलमान खुर्शीद की। जी, लेकिन अनिला जी जिस तरह से देखिए ये कांग्रेस में ये मनीष तिवारी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, अपनी पार्टी को लेकर इस तरह की बातें करते हैं, मतलब अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन बीजेपी में भी तो कुछ नेता ऐसे हैं जो अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं, नाराज रहते हैं।
तो अगर ऐसी कोई बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करती है हमेशा। अनिला जी, वरुण गांधी की यहाँ पर बात कर रही हूँ मैं। मुझे नहीं, वरुण गांधी जी ने चिट्ठी लिखी है सरकार को, लिखना चाहिए, उसमें कौन सी बात है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। नहीं, वरुण गांधी जी तो जो पार्टी के अगेंस्ट चीजें होती हैं उसका समर्थन करते दिखते हैं, चाहे वो कृषि कानूनों को लेकर हो, हमेशा वो आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। फिर जिस तरह से कंगना रनौत ने विवादित बयान देती है उसका भी वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से वरुण गांधी ने कंगना रनौत के बयान का कोई समर्थन नहीं किया है, आप अपने फैक्ट्स को चेक करिए। दूसरी बात ये है कि किसानों के विषय में उन्होंने कहा कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए एक ब्रॉडर निर्णय लिया, बहुत हम्बली जो है कानून वापस किए। वरुण गांधी तो अजय मिश्रा की गिरफ्तारी की भी मांग करते हैं, वो कहते हैं कि कार्रवाई उस पर भी मामले पर होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, उन्होंने ये मांग करी है, अब सरकार उस पर क्या करती है क्या नहीं करती है थोड़ा भविष्य ही बता पाएगा। चलिए ठीक है अनिला जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। उन्होंने कहा कि ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार निठल्ली थी और उसे देश की सुरक्षा की चिंता कतई नहीं थी, उसने राष्ट्रीय सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस बात पर जवाब मांगा और ये पूछा है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। भाटिया ने सवाल किया कि उस समय भारत की सेना को छूट क्यों नहीं दी गई थी, अगर ऐसा होता तो दोबारा फिर वैसे छोटे छोटे सीरियल ब्लास्ट नहीं होते। गौरव भाटिया ने कहा कि मुंबई हमले में जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनकी कुर्बानी व्यर्थ हो गई, आखिर क्या कारण रहा कि सरकार ने सेना को अनुमति नहीं दी? क्या आपको यानी कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सेना पर भरोसा नहीं था? उस दौरान पाकिस्तान को सबक सिखाना था लेकिन कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की बात कर रही थी। भाटिया ने कहा कि एक न्यूज रिपोर्ट बताती है कि मुंबई हमले के दौरान राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, शिवराज पाटिल तत्कालीन गृह मंत्री सूट बदल रहे थे। उन्होंने कहा कि उस समय जो संयम दिखाया गया हम उस पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने भी लिखा था कि मनमोहन सिंह का कोई कार्रवाई ना करना भारत के लिए एक बड़ी चोट साबित हो सकता है। बीजेपी प्रवक्ता भाटिया ने कहा कि आज सेना मजबूत हो रही है, पुलवामा हमले के बाद सेना को खुली छूट दे दी गई, आज चीन भी भारत की ताकत को समझता है। हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिंट मेक यूज ऑफ इट। हमारी वीर सेना पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से अनुमति मांग रही थी कि पाकिस्तान की क्या हैसियत, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। और भारत में क्या बदलाव आया है यह बात भी आपके समक्ष जरूर रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है कि पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया। जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान हमारे देश की सुरक्षा के लिए दिया, भारतवासियों के लिए दिया, जो एनएसजी कमांडो शहीद हो गए, आपने उनकी कुर्बानी को भी अपमानित किया। और ये इकलौता वाक्य जो है इसमें इतनी ताकत है कि सोनिया गांधी जी, आपकी ये सहूलियत की जो राजनीति है,
उसको छोड़कर देश को आपको यह बताना होगा कि ऐसी कौन सी दोस्ती, ऐसा कौन सा विशेष प्रेम आपका पाकिस्तान के प्रति है कि आपने और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यह अनुमति हमारी वीर सेना को नहीं दी। या फिर यह कहें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको हमारी वीर सेना पे भरोसा नहीं था, जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? क्या ऐसी मजबूरियां थी? क्यों बेवफा हो गए आप? ये जो संयम दिखाया है, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। और ठीक है, ये पूरा भारत जानता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों पे फैसले लेने में लकवा मारा हुआ था आपको, ये हम जानते हैं। लेकिन जब देश की अखंडता की बात आए, राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, तो आप चादर तान के कैसे सो सकते थे? और बड़े गर्व से मैं एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दिखाया है कि भारत की शक्ति क्या है, सेना पर विश्वास करना क्या होता है और हमारी वीर सेना की ताकत क्या है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को 13 साल होने जा रहे हैं, लेकिन ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मुंबई हमले को याद करके आज भी लोगों का दिल दहल उठता है, आंखें नम हो जाती हैं। तो ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे, मुंबई हमलों की छानबीन से जो कुछ सामने आया वो बताता है कि 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे। इस नाव पर 4 भारतीय सवार थे, जिन्हें किनारे तक पहुंचते पहुंचते खत्म कर दिया गया। रात के तकरीबन 8 बजे थे जब ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वो 4 ग्रुपों में बट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख कर लिया। मछुआरों को शक था, कहते हैं कि इन लोगों की आपाधापी को देखकर कुछ मछुआरों को शक भी हुआ और उन्होंने पुलिस को जानकारी भी दी, लेकिन इलाके की पुलिस ने इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। अगर ऐसा कर लिया होता तो ये काला दिन देश के इतिहास का नहीं होता और ना ही आगे बड़े अधिकारी या खुफिया बलों को जानकारी दी। 2 हमलावरों ने उतार दिया 52 लोगों को मौत के घाट। रात के तकरीबन 9:30 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलीबारी की खबरें मिली। मुंबई के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के मेन हॉल में 2 हमलावर घुसे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसमें एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है। दोनों के हाथ में AK-47 राइफलें थी और 15 मिनट में ही उन्होंने 52 लोगों को कत्लेआम कर दिया और मौत के घाट उतार दिया, 109 को जख्मी कर दिया। मुंबई में कई जगह हुई थी गोलीबारी, लेकिन आतंक का यह खेल सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं था। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उस चंद जगहों में से एक था जो 3 दिन तक चले इस हमले के शुरुआती निशाने पर थे। ये मुंबई के नामचीन रेस्तरां में से एक है, इसलिए वहां हुई गोलीबारी में मारे गए 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे, जबकि बहुत से घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। 10:40 विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ाने की खबरें मिली जिसमें ड्राइवर एक यात्री मारा गया। तो इससे 15-20 मिनट पहले बोरी बंदर में इसी तरह के धमाके में एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जान जा चुकी थी, तकरीबन 15 घायल भी हुए। 26/11 के 3 बड़े मोर्चे, लेकिन आतंक की कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। शायद दुनिया मुंबई हमलों से उतना ना दहलती,
अगर यहीं ये चीजें खत्म हो जाती। 26/11 के तीन बड़े मोर्चे थे, मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइड होटल और नरीमन हाउस। जब हमला हुआ तो ताज में करीब 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। लाइव मीडिया कवरेज से आतंकियों को मिली मदद। हमलों की अगली सुबह यानी कि 27 नवंबर को खबर आई कि ताज से सभी बंधकों को छुड़ा दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा तो पता चला कि हमलावरों ने कुछ और लोगों को अभी बंधक बना रखा है, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमलों के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कमांडो से घिरे रहे। एक तो एनएसजी कमांडो के देर से पहुंचने के लिए सुरक्षा तंत्र की खिंचाई हुई तो हमलों की लाइव मीडिया कवरेज ने भी आतंकवादियों की खासी मदद की। कहा क्या हो रहा है, सब उन्हें अंदर टीवी पर दिख रहा था। लगातार 3 दिन तक आतंकियों से जूझते रहे सुरक्षा बल। 3 दिन तक सुरक्षा बल आतंकवादियों से जूझते रहे। इस दौरान धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली, बंधकों को लेकर उम्मीदें टूटती जुड़ती रही। ना सिर्फ भारत से 125 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले के वक्त होटल में कई लोग मौजूद थे। हमले के वक्त ताज में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यूरोपीय संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य भी शामिल थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबराय में मौजूदा लोगों में भी कई जाने चली गई और कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एनएन कृष्णादास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे। हमलावरों ने नरीमन पॉइंट्स को भी कब्जे में लिया था। उधर 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला। घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों को सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो की जान चली गई। 160 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था। अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने साल 2008 में मुंबई को गोलीबारी और बम धमाकों से दहला दिया। 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में करीब 160 लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दौरान बहादुर जवानों और पुलिसकर्मियों ने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया था और कई बेगुनाहों की जान बचाने में सफल भी हुए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन वीर जवानों के बारे में जिन्होंने लोगों की जान बचाने के लिए खुद शहीद हो गए। हेमंत करकरे उस समय मुंबई एटीएस के प्रमुख थे। उन्हें 26 नवंबर की रात करीब 9:45 पर आतंकी हमले के बारे में जानकारी मिली। तब वो अपने घर पर थे और खाना खा रहे थे। वो तुरंत अपने ड्राइवर और बॉडीगार्ड के साथ सीएसटी स्टेशन के लिए रवाना हुए। वहां उन्हें पता चला कि आतंकवादी अब कामा अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने एसीपी अशोक कामटे, इंस्पेक्टर विजय सालस्कर के साथ मोर्चा संभाला। कामा अस्पताल के बाहर मुठभेड़ में आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में वो शहीद हो गए। मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित भी किया गया। तुकाराम ओंबले। मुंबई पुलिस के एएसआई तुकाराम ओंबले ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए आतंकी अजमल कसाब को बिना किसी हथियार के सामना किया और उसे पकड़ लिया। इस दौरान कसाब ने उन पर फायरिंग की थी और वो वहीं शहीद हो गए। मरणोपरांत तुकाराम ओंबले को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक कामते। मुंबई पुलिस के एसीपी अशोक कामते भी कामा अस्पताल के पास मुठभेड़ के समय एटीएस चीफ हेमंत करकरे के साथ मौजूद थे। कामा अस्पताल के बाहर आतंकी इस्माइल खान ने उन पर गोलियां चलाई और एक गोली उनके सिर में जा लगी। घायल होने के बावजूद अशोक कामटे ने दुश्मन को मार गिराया। मरणोपरांत एसीपी अशोक कामटे को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। विजय सालस्कर मुंबई पुलिस के एक ऐसे अफसर थे जिन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता था। वो कामा अस्पताल के पास मुठभेड़ के समय एटीएस चीफ हेमंत करकरे और अशोक कामटे के साथ मौजूद थे। हमले के दौरान उस गाड़ी में सवार थे जिस पर आतंकी कसाब उसके साथी ने गोलियां बरसाई थी। शहीद विजय को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर संदीप। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडो मेजर संदीप उनिकृष्णन 26/11 हमले के दौरान मिशन ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के नेतृत्व कर रहे थे। ताज होटल के पास आतंकियों से लड़ाई में वो शहीद हो गए। मरने के बाद उन्हें साल 2009 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने भी बहादुरी दिखाई। इन 5 बहादुरों के अलावा हवलदार गजेंद्र सिंह, नगप्पा आर महाले, किशोर के शिंदे, संजय गोविलकर, सुनील कुमार यादव और कई अन्य ने भी बहादुरी की मिसाल पेश की। और इसी के साथ ही मैनेजर करमबीर सिंह कांगने ने भी अपनी बहादुरी और सूझबूझ से कई मेहमानों की जान बचाई थी। तो 26/11 वो दिन जिसे देश कभी नहीं भुला सकता, जिस दिन को याद करके हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं
और शायद भारत कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा दिन इतिहास के पन्नों में जुड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी कुछ राजनेता ऐसा कर जाते हैं कि इन जख्मों को वो कुरेद ही देते हैं। कुछ ऐसा ही मनीष ने भी किया है, माफ कीजिएगा, मनीष तिवारी ने भी किया है, जिसके बाद अब उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि देश ऐसा दिन दोबारा नहीं चाहता। आज की सेना मजबूत है, आज की सेना को फ्री हैंड दिया हुआ है, ऐसे में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए आज की सेना काफी है। भारत एट नाइन के स्पेशल एडिशन में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।